जांजगीर जिले के खोखसा में हुई शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आमतौर पर आपने अस्पताल में मरीजों को उपचार होते हुए सुना होगा, लेकिन इलाके के नर्सिंग होम में एक जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह के नज़ारे आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन शादी के ऐन वक्त युवती की सेहत बिगड़ने पर अस्पताल में ही विवाह संस्कार को संपन्न कराना पड़ा। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में 20 अप्रैल को तय मुहूर्त में संपन्न हुई अनोखी शादी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल परिसर में जहां मरीजों का इलाज होता है, वहीं एक मरीज के अस्पताल परिसर में शादी संपन्न हुई। ग्राम बैजलपुर निवासी कुमारी रश्मि उर्फ लक्ष्मी का विवाह शक्ति जिले के परसाडी गांव निवासी राज उर्फ बंटी के साथ तय हुआ था। दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। धूमधाम से शादी करने के लिए सभी रिश्तेदारों के यहां निमंत्रण दिया जा चुका था। इस बीच अचानक रश्मि की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में जांच के लिए आई तो पता चला कि बड़ी आंत में छेद है। डॉक्टर ने बताया कि रश्मि का इलाज जल्द से जल्द नहीं करने पर यह तकलीफ रश्मि के लिए घातक होगा। इस बात की जानकारी वर पक्ष को हुई तो तत्काल राज के परिवार ने रश्मि के इलाज को महत्व देते हुए अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया और तय मुहूर्त में शादी का निर्णय लिया, क्योंकि दोनों परिवार के लिए शादी का समय बढ़ाना संभव नहीं था। चूंकि वर पक्ष के भाई की भी शादी इसी मंडप में होना तय था और सभी रिश्तेदार धीरे धीरे घर पहुंच रहे थे, दोनों परिवारों ने आपसी तालमेल बनाते हुए तय मुहूर्त में ही शादी करने का निर्णय लिया और रश्मि का इलाज जारी रखने कहा। वहीं रश्मि के शादी के 5 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और वर पक्ष बारात लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां मौके पर ही पूरे रीति रिवाज से शादी संपन्न कराया गया। अस्पताल परिसर में उपस्थित सभी स्टाफ, परिवार जन एवं अन्य मरीज के परिजन इस अनोखी शादी के साक्षी बने। 18 अप्रैल को, जिसमें हम लोग निमंत्रण रिश्तेदार वगैरह में सभी को भेज चुके थे। हम लोगों का परिस्थिति ऐसे नहीं थी कि दूसरी बार इंडेक्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग को जितना समझ नहीं आया हॉस्पिटल में करने का इच्छा हुआ नहीं चले। शादी भी करना जरूरी था, ऑपरेशन भी करना जरूरी था, दोनों को साथ में लेते हुए जो है कल के डेट में उसके शादी पूरे परिजन पूरे बराती के साथ जो है हॉस्पिटल परिसर आए और लड़की जो है अच्छा स्वस्थ हो गई है और 20 डेट में उनकी जो है शादी की गई, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधक उनके परिजन सभी का सहयोग रहा। मौके पर मौजूद डॉक्टर स्टाफ सहित परिवार जनों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया और दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रश्मि की जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों परिवार की माली स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण शादी को आगे ले जाना संभव नहीं था। लड़की पक्ष ने बताया कि जो पैसा शादी के लिए जमा कर रखे थे वह इलाज के दौरान खर्च हो गए, ऐसे में इलाज जरूरी था। दामाद सहित उनके घर वालों ने पूरा समर्थन दिखाया, जिसके कारण यह शादी अस्पताल परिसर में संपन्न हुई। एसीएन न्यूज के लिए जांजगीर से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।